वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके कंपैरिजन चेक से कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें क्वेश्चन 1 है व्हाट डिड निषाद गेव मिस्टर नाथ वाई। निषाद ने मिस्टर नाथ को क्या दिया था और क्यों दिया था। तो निषाद गेव मिस्टर नाथ अ बार ऑफ चॉकलेट बिकॉज ही कंक्लूडेड फ्रॉम मिस्टर नाथ्स लीन थिन अपीयरेंस दैट ही वाज स्टार्विंग। तो निषाद ने मिस्टर नाथ को एक चॉकलेट दी थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मिस्टर नाथ के लीन अपीयरेंस से, मतलब थिन अपीयरेंस से, मिस्टर नाथ को देखकर लगता था कि वो इतने पतले इसलिए हैं बिकॉज उन्हें खाने के लिए नहीं मिलता या फिर वो खाना अफोर्ड नहीं कर पाते। इसी वजह से निषाद ने उसे मिस्टर नाथ को बार ऑफ चॉकलेट दी थी। क्वेश्चन 2 व्हाट इज़ स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर नाथ्स संडेज। मिस्टर नाथ के संडेज के बारे में अलग बात क्या थी। एवरी संडे मिस्टर नाथ यूज टू हैव द सेम विजिटर एट हिज होम एंड द टू यूज टू हैव लंच टुगेदर। तो डिफरेंट बात ये थी कि हर संडे मिस्टर नाथ के घर में एक ही विजिटर आता था, एक ही व्यक्ति आता था हर संडे, और दोनों एक साथ लंच किया करते थे। तो इस चैप्टर को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, लिंक दे दूँगी। व्हाई डिड निषाद एंड माया गेट अ हॉलीडे। निषाद और माया को एक हॉलीडे क्यों मिला था। बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैवीली एंड द स्ट्रीट्स वर फ्लडेड विद द डाउनपोर, द ट्रैफिक वॉज ब्लॉक्ड एंड द चिल्ड्रन गॉट अ हॉलीडे बिकॉज ऑफ ऑल दिस। यानी देखो बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी और पूरी की पूरी स्ट्रीट्स जो है वो पानी से ही भर चुकी थी और ट्रैफिक भी जाम हो गया था, इसी वजह से उन्हें हॉलीडे मिल गई। फिर है वर्किंग विद द टेक्स्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डज निषाद फाइंड आउट अबाउट मिस्टर नाथ फ्रॉम रमेश। अरेंज द इंफॉर्मेशन एज सजेस्टेड बिलो। तो निषाद को रमेश से मिस्टर नाथ के बारे में क्या पता चला था, तो उसे आप ना अरेंज करोगे, मतलब इंफॉर्मेशन को अरेंज करोगे इस हिसाब से। जैसे व्हेन व्हाट ही ईट्स, वो क्या खाते थे, व्हेन ही ईट्स, वो कब खाते थे, व्हाट ही ड्रिंक्स एंड व्हेन, वो क्या पीते थे और कब पीते थे, और हाउ ही पेज, वो किस तरीके से पे किया करते थे। तो इस सब को लाइन वाइज आप करोगे कि सबसे पहले आप लिखोगे वो क्या खाते थे, उसके बाद लिखोगे वो कब खाते थे, और इसी हिसाब से जो जो पूछा गया लाइन वाइज आपको लिखना है। तो मिस्टर नाथ यूज टू ईट 2 चपाती सम दाल एंड अ वेजिटेबल। वो खाने में 2 चपाती, कुछ दाल और एक और वेजिटेबल यानी सब्जी खाया करते थे। फिर वो कब खाते थे, वो मॉर्निंग और इवनिंग में खाया करते थे। और फिर वो क्या पीते थे और कब पीते थे। ही यूज टू ड्रिंक टी इन मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। वो चाय पीते थे सुबह और आफ्टरनून में। उसके बाद वो कैसे पे करते थे, ही यूज टू पे इन कैश एंड ऑल्सो यूज टू गिव टिप्स टू रमेश। यानी वो कैश दिया करते थे और टिप्स भी दिया करते थे रमेश को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि माया को ऐसा क्यों लगा कि मिस्टर नाथ एक क्रिमिनल है, और व्हाट डज शी से द संडे विजिटर इज, और उसने ऐसा क्या कहा कि संडे को जो विजिटर आता है वो कौन है, उसे क्या लगा था। तो माया ने सोचा था कि मिस्टर नाथ क्रिमिनल है बिकॉज ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड हैज़ नो फ्रेंड्स। वो किसी से बात नहीं करते थे, उनका कोई दोस्त नहीं था, और उनके जो फेस पे घाव के निशान थे, उन्हें माया को लगता था कि ज़रूर पुलिस के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, इसी वजह से उनके जो स्कार्स हैं वो आए हैं। ही डजेंट वर्क एनी वेयर एंड सिट्स एट होम ऑल द डे। वो कहीं पर भी काम नहीं करते थे और पूरे दिन घर पे बैठे रहते थे, और कोई उनके यहाँ आता भी नहीं था, जबकि बस एक ही पर्सन आता था संडे को। ठीक है, और वो मील्स वगैरह, और ही इज़ नॉट बॉथर्ड अबाउट हिज मील्स एंड पेज द मनी इन कैश। वो अपनी मील्स के बारे में कोई फिक्र नहीं करते थे और कैश में मनी को पे करते थे। तो माया को ये लगता था कि जो संडे को विजिटर आता है ना, वो उनका क्राइम में ही कोई पार्टनर है। ही कीप्स द मनी फ्रॉम द लूट एंड कम्स टू गिव मिस्टर नाथ हिज शेयर। वही जो है लूट का मनी अपने पास रखता है और मिस्टर नाथ को उनका शेयर देने के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में डज निषाद एग्री विद माया अबाउट मिस्टर नाथ, हाउ डज ही फील अबाउट हिम। तो क्या निषाद भी एग्री था माया की बात पर, क्या निषाद को भी ऐसा ही लगता था कि मिस्टर नाथ एक क्रिमिनल है, और वो कैसा फील करता था मिस्टर नाथ के बारे में। तो निषाद तो एकदम अपोजिट फील करता था। नो, निषाद डजंट एग्री विद माया अबाउट मिस्टर नाथ। ही फील्स बैड फॉर मिस्टर नाथ बिकॉज ही थिंक्स दैट ही इज़ अ पुअर एंड लॉनली मैन। ही ऑल्सो फील्स दैट ही इज जेनरस मैन बिकॉज ही गिव्स टिप्स टू रमेश रेगुलरली। ही इज डिटरमाइंड टू फाइंड वाई ही इज सो थिन एंड लॉनली। तो देखो जो निषाद था उसको एकदम अपोजिट लगता था। उसको ऐसा लगता था कि जो मिस्टर नाथ है वो बहुत ज़्यादा गरीब है और बहुत ज़्यादा अकेले आदमी है, इसलिए उनका कोई दोस्त नहीं है। लेकिन साथ साथ उसको ये भी लगता था कि बड़े दानी आदमी है क्योंकि वो रमेश को टिप्स भी दिया करते थे, और वो काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड था, यानी कोशिश कर रहा था ये जानने की कि किस लिए वो थिन है और लॉनली है। उसके बाद वर्किंग विद लैंग्वेज में क्वेश्चन नंबर 1, जो टिप यूज़ किया गया है वर्ड वो 3 लेटर का है, लेकिन टिप के बहुत सा मीनिंग है। तो आपको ना जो मैच द वर्ड विद इट्स मीनिंग बिलो, जो वर्ड्स हैं उनको उनके मीनिंग से मैच करना है। तो इस तरीके से मीनिंग मैच करेंगे। फिंगर टिप्स का द एंड ऑफ वंस फिंगर, द टिप ऑफ योर नोज का द पॉइंटेड एंड ऑफ योर नोज, टिप द वाटर आउट ऑफ द बकेट का एम्प्टी अ बकेट बाय टिल्टिंग इट, हैव समथिंग ऑन द टिप ऑफ योर टंग का ही अबाउट टू से समथिंग, टिप द बोट ओवर का बेक द बोट ओवर टर्न, टिप हिम अ रूपी का गिव अ रूपी टू हिम टू थैंक हिम, द टिप ऑफ द बैट का मतलब द एंड ऑफ द बैट, द पुलिस वर टिप टॉप ऑफ का मतलब होता है कि पुलिस वर टोल्ड और वार्न्ड, इफ़ यू मेक माई टिप का मतलब होता है इफ़ यू टेक माई एडवाइस, द बैट टिप टू द बॉल इसका अर्थ है द बैट लाइटली टच द बॉल। तो इस तरीके से इन सब की मीनिंग आप लोग मैच कर लेंगे। क्वेश्चन 2 में हेल्पर जो वर्ड होता है, कंपेनियन, पार्टनर और अकम्प्लेस, इनके सिमिलर मीनिंग्स हैं, लेकिन हर वर्ड जो है टिपिकली यूज़ होता है हर सेंटेंस फ्रेजेस में, ठीक है। तो आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स जो है भरने हैं कि इस जगह मोस्ट कॉमनली वर्ड्स कौन से यूज़ होते हैं। तो बिजनेस डैश, तो बिजनेस के साथ ज़्यादातर पार्टनर यूज़ होता है, ठीक है, बिजनेस पार्टनर। और माय डैश ऑन द जर्नी, माय कंपेनियन ऑफ द जर्नी, माय पार्टनर यूज़ नहीं होगा, मोस्टली कंपेनियन यूज़ होता है, ठीक है। आई एम मदर्स लिटिल हेल्पर, ठीक है। इधर आप करोगे अ फेथफुल कंपेनियन सच एज डॉग, द थीव्स अकम्प्लिस, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्लैंक्स को फिल करोगे। देखो फर्स्ट का पार्टनर, सेकंड का कंपेनियन, थर्ड का हेल्पर, फोर्थ का कंपेनियन, फिफ्थ का कॉम्प्लेक्स, सिक्स्थ का हेल्पर, सेवन्थ का पार्टनर, एट का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस तरीके से फिल कर दीजिएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपको जो है नाउ लेट अस लुक एट द यूजेस ऑफ द वर्ड ब्रेक, मैच द वर्ड विद इट्स मीनिंग बिलो, ट्राई टू फाइंड आउट एटलीस्ट 3 अदर वेज इन विच टू यूज़ द वर्ड। तो आपको जो है इनको देखना है और इनके मीनिंग के साथ इन वर्ड्स को मैच करना है, और इनके आपको एटलीस्ट 3 अदर वेज भी बताने हैं जिसमें आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, द स्टॉर्म रॉक का मतलब होता है द काइंड ऑफ वेदर एंडेड, डे ब्रेक का मतलब होता है डे लाइट की बिगनिंग, हिज वॉइस इज बिगनिंग टू ब्रेक का मतलब होता है कि जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वॉइस चेंज होती है, हर वॉइस ब्रोक एंड गाइड इसका मतलब होता है कि वह ढंग से बोल नहीं पा रही, बहुत सैड है, ठीक है। द हीट वेव ब्रोक का मतलब होता है कि इट बिगिन अ बर्स्ट इन टू एक्टिविटी, ब्रोक द बैड न्यूज़ का मतलब होता है कि किसी को जेंटली बताना बैड न्यूज़ के बारे में, ब्रेक अ स्ट्राइक का मतलब होता है कि एंड इट बाय मेकिंग द वर्कर सबमिट, ब्रेकडाउन का मतलब होता है मशीन फेलियर। राइटिंग में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है कि मिस्टर नाथ कौन थे, उनके बारे में पैराग्राफ लिखो, ठीक है। तो मिस्टर नाथ एक पतले से पर्सन थे जो कि रहते थे, मतलब वो ना एक सीरियस एक्सीडेंट उनका फायर से हो गया था जिसकी वजह से उनके चेहरे पर भी काफ़ी घाव थे, और पीपल उनसे डरा करते थे बिकॉज उनका थोड़ा अगली सा फेस हो गया था, और वो he realizes the same and that is why he prefers living alone and avoid going out। तो वो भी ऐसा ही सोचते थे कि उनसे कोई बात नहीं करना चाहता, इसी वजह से वो अकेले ही रहते थे। वो कम बोलते थे लेकिन काफ़ी ज़्यादा समझदार और पोलाइट इंसान थे। वो हर रोज़ माया और निशत की मदर जो कि एक डॉक्टर थी उनसे कंसल्ट करते थे, लेकिन वो उनका अपीयरेंस ज़्यादा खास नहीं था, मतलब उनके काफ़ी थिन अपीयरेंस था, ऊपर से उनके स्कार्स भी थे, इसी वजह से वो अकेले ही रहते थे। उनके एक जो कोई दोस्त था जो उन्हें हर संडे मीट करने आता था उनकी हेल्थ के बारे में जानने के लिए, और मिस्टर निशत जो थे वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे और कुछ सिंपल फूड ही डेली खाना चाहते थे। उसके बाद आपको क्या लगता है कि निशत ऑफ माया, वट एल्स डू यू थिंक निशत एंड माया विल फाइंड अबाउट हिम हाउ, कैसे मिस्टर जो निशत और माया थे उन्होंने जाना होगा उस पर्सन के बारे में, मिस्टर नाथ के बारे में, क्या वो कभी दोस्त बने होंगे। आपको इन क्वेश्चंस पे आंसर लिखना है इन क्वेश्चंस का, और कंटिन्यू करनी है स्टोरी को। तो हमें लगता है आप लिख सकते हैं कि निशत और माया को पता चल गया होगा कि जो संडे विजिटर है वो मिस्टर नाथ का ही भाई है, मिस्टर नाथ जो है एक बड़ी बिग प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते होंगे और उन्होंने जॉब छोड़ दी होगी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो किसी लीवर एलिमेंट या किसी फीवर से गुजर रहे होंगे, उनकी कोई सर्जरी चल रही होगी। और निशत जो है उनसे दोस्ती कर लेता है और उनके हाउस में हर शाम खेलने जाता है। वो मिस्टर निशत को बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सन मानता है और वो बहुत अच्छे होते भी हैं, और सारे लोग फिर चले जाया करते हैं मिस्टर नाथ के बारे में। माया को रिग्रेट होता है कि उसने मिस्टर नाथ के बारे में गलत गलत सोचा, जबकि मिस्टर नाथ तो बहुत अच्छे इंसान हैं और वो सब फिर दोस्त बन जाते हैं। ऐसा हो सकता है कहानी को अगर आप कंटिन्यू करें तो, ठीक है। बाकी अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। तो बुक वक्त यहीं फिनिश होता है, क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।